हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी 10 बजे वाली 10 मिनट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, वी आर अम्बेडकर। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर साथ ही साथ में इस क्लास की आपको विशेषता ये बताते चलते हैं, जो भी विकल्प होगा उसे बताने के साथ साथ चारों विकल्प को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ। राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है देश रत्न। महात्मा गांधी, इन्हें युग पुरुष, राष्ट्रपिता, बापू, इन सभी नामों से जाना जाता है। यहां पर अब सभी जितने भी प्रसिद्ध नाम है सभी के उपनाम यहां पर हम लोग देखेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा यहां पर कवर करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, जल्दी से ही कवर करेंगे। महात्मा गांधी का उपनाम युग पुरुष, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी, लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान और सीमंत गांधी दोनों नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु के साथ साथ देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय, महामना। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्ष। एम एस गोलवलकर, गुरुजी। कर्पूरी ठाकुर, जननायक। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक। यहाँ पर देखिए, जननायक और लोकनायक में कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए दोनों को एक साथ हमने रखा है। देखिए, दीन बंधु और देश बंधु, इन दोनों में भी कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, इसलिए देखिए दोनों को भी एक साथ रखा है। जहाँ पर कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हम एकदम से साथ साथ रखें, देखिए जननायक और लोकनायक इसमें आप कन्फ्यूज्ड होते हैं, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण दोनों अलग अलग, ध्यान से देख लीजिए। दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, और अभी मैंने आपको देश रत्न बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर देखिए, आंध्र केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं, आंध्र केसरी टी प्रकाश हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष। शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर। शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आंध्र केसरी, पंजाब केसरी के साथ साथ आप बंगाल केसरी भी रख लीजिएगा, आशुतोष मुखर्जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण, जेपी। एनी बेसेंट, माता बसंत। अब यहाँ पर देखिए, दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के भी पितामह माने जाते हैं। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति। जगजीवन राम, ये हैं बाबूजी। हिटलर, फ्यूहरर। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, जमुना लाल बजाज, ये महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र माने जाते कहे जाते हैं। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, स्पैरो। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, राजा जी। अशोक, प्रियदर्शी। अमीर खुसरो, तोता ए हिंद। गालिब, तराना ए हिंद। पीटी उषा, उड़न परी। एलिजाबेथ प्रथम, मेडन क्वीन। अब यहाँ पर देखिए, लाल बाल पाल, आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद पाल। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बड़े साहब। महात्मा गांधी, ये तो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उनसे रिलेटेड जो नाम फेमस थे, उपनाम, वो हम आपको बताए हैं।
कुछ भी अगर छूटा हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड जरूर करेंगे। ठीक है, जितना मेरे माइंड में था, जितना भी पॉसिबल हो सका हमने बताया, और बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तैयार हुए कि नहीं तैयार हुए? और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करेंगे ना, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन अगला आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रज्मनामा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा ऑप्शन है शाहनामा, शाहनामा या शाहनामो, शाहनामा या शाहनामो दोनों एक ही है। ये फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी हैं इसके रचयिता, और इसकी जो मूल भाषा है वो फारसी है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। शाहनामा का जो मतलब, शाहनामा की जो मूल भाषा है, मतलब किस भाषा में मूलतः ये किस भाषा में लिखा हुआ महाग्रंथ है, तो आपका जवाब होगा फारसी में। ठीक है, चलिए अगले इस पे चलते हैं, बादशाहनामा। बादशाहनामा इसके जो रचनाकार हैं, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की है। ये लाहौरी, ये शाहजहाँ के, आपको बताते चलते हैं, शाहजहाँ के ये सरकारी इतिहासकार थे, और इसमें यानी कि बादशाहनामा में मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास ही माना जाता है। ठीक है, इसमें शाहजहाँ का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है, और इसकी भी मूल भाषा कौन सी है? इसकी भी मूल भाषा फारसी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बादशाहनामा की मूल भाषा ये भी फारसी है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, पहले ये भी जान लीजिए, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? ये अलग से फैक्ट है। तुजुके जहांगीरी ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, और इसकी भी जो मूल भाषा है ये फारसी है। ये फारसी की वजह से आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो तुजुके जहांगीरी हैं, इकबाल नामा जहांगीरी और जहांगीर नामा के नाम से भी ये जानी जाती है। कभी अगर इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, इकबाल नामा जहांगीरी या फिर जहांगीर नामा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, और इसकी भी जो मूल भाषा है वो फारसी है। तूती नामा, तूती नामा का शाब्दिक मतलब होता है टेल्स ऑफ अ पैरट। इसके लेखक हैं अलदीन नक्शाबी, अलदीन नक्शाबी हैं। तो उम्मीद है कि आपको चारों विकल्प क्लियर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बुक है इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? यानी कि आज़ादी की लंबी यात्रा, ये आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की एक और बुक है द प्रिजन, लिख देते हैं द प्रिजन लेटर्स ऑफ नेल्सन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये कोफी अन्नान की बुक का नाम, अगला जो दूसरा ऑप्शन है कोफी अन्नान की बुक का नाम है। ये कोफी अन्नान जानते कौन थे? पूर्व संयुक्त राष्ट्र के ये महासचिव थे। इन्होंने बुक लिखी है वी द पीपल अ यूएन फॉर द 21st सेंचुरी, वी द पीपल अ यूएन फॉर द 21st सेंचुरी। अब आगे जॉन एफ कैनेडी के बारे में जानते हैं। जॉन एफ कैनेडी ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, और इनकी जो साजिश के तहत, मतलब एक राजनीतिक हत्या हुई थी, ये इनकी हत्या बड़ी फेमस थी। 1961 में ये शासन संभालते हैं और 1963 में इनकी हत्या कर दी जाती है। बात करेंगे अब्राहम लिंकन की, तो अब्राहम लिंकन का नाम कौन नहीं जानता होगा? जब भी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तगड़े मोटिवेशन की, और बार बार प्रयास कर रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अब्राहम लिंकन का। इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। तो ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के ये भी पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? असम में वैष्णव संप्रदाय के, मेनली असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक कौन था? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, शंकरदेव। जयदेव ने रचना की है गीत गोविंद की, ठीक है, गीत गोविंद की रचना की है। अच्छा, घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद आपका सही हो जाता है, विकल्प टी है, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में बताया गया है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की, इसमें क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान है कि सार्वजनिक पद पर अवसर समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद जो 25 है ये धर्म की स्वतंत्रता में अधिकार देने की बात करता है। ये अधिकार दो प्रकार का, एक अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात होती है और दूसरा है धर्म को मतलब अबाध मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता में अधिकार देने का यही मतलब है। अनुच्छेद 25 इसी से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जो कि है इम्पोर्टेंट। तो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता से वंचित ना रखा जाए, ये अनुच्छेद 21 इसकी बात करता है। व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तिक स्वतंत्रता से उसे वंचित ना रखा जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र मादा औरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हो गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, बिन्नी। उसका नाम बिन्नी है, ऑप्शन सी सही होता है, बिन्नी। बिन्नी ये ओडिशा में थी। ओडिशा के किस पार्क में नंदन कानन मिली नंदन न, नंदन नंदन कानन ये था जूलॉजिकल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में ये था। और ये वनमानुष औरंगुटन, ये वनमानुष मादा वनमानुष थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, दुआर्ते बारबोसा। ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, ठीक है। ये यूरोप के प्रसिद्ध लेखक थे। यहाँ पर ये जानिए मार्को पोलो मोरक्को, मार्को पोलो संबंधित है इटली से, इटली में इसका जन्म भी हुआ और इटली में देहांत भी। अलबरूनी, ये अलबरूनी उज्बेकिस्तान में इनका जन्म होता है और अफगानिस्तान में इनकी डेथ होती है। फ्रांसवा बर्नियर, ये स्पेन से नहीं फ्रांस से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चारों विकल्प क्लियर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है 746 वाट। ऑप्शन बी सही हो जाता है 746 वाट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या और जापान से क्या। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, व्यापारिक वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। अब आगे हम देखते हैं जर्मनी का, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये जर्मनी से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सोवियत संघ का भी। तो सोवियत संघ, ये देखिए 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। तो ये देखिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक
टिक है, इसका आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। तो सोवियत संघ से जो लिया गया, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ से जो जो भी लिया गया, देखिए मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय संबंधी ये चीज़ें हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीति, इसका आदर्श जो है सोवियत संघ से लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ में ये जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय संबंधी जो चीज़ें हैं, ये जो आदर्श है ये लिया गया सोवियत संघ से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय ये लिया गया सोवियत संघ से। आगे देखते हैं जापान का एक बचता है, वो भी देख लेते हैं। तो जापान ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से ही लिया गया है, ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए एक बार करते हैं सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए, इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का कितना गुना तैयार मिला है ये ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी रज्मनामा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? ऑप्शन डी सही होता है, हमारा शंकर देव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उस एकमात्र मादा औरंगउटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भिन्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है? ऑप्शन सही हो जाता है, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन सही हो जाता है, डी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ का आपको मैंने इस वीडियो में बताया डिटेल में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डिटेल में, जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है जितना पॉसिबल हो सके आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी उपनाम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। हाँ आपको क्लास का टाइम टेबल बता देते हैं, मॉर्निंग में 10 बजे आपकी ये क्लास चलती है, दोपहर के 2 बजे एक क्लास होती है और रात के 10 बजे NCERT का इस समय हम ले रहे हैं टेस्ट, वो भी कॉम्पिटिशन बेस्ड है और बहुत ही बढ़िया, पूरी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।